जानिए श्राद्ध में ब्राह्मण गाय कौवे और श्वान का क्या है महत्व। श्राद्ध पक्ष में पितरों के अलावा ब्राह्मण गाय श्वान और कौवों को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय का महत्व है। वहीं पितृपक्ष में श्वान और कौवे पितर का रूप होते हैं, इसीलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। पितृपक्ष के दौरान उनका ख्याल ध्यान रखने की परंपरा है। घर के आसपास अगर आपके कौवे की चोंच में फूल पत्ती दिखाई दे तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा गाय की पीठ पर चोंच को रगड़ता हुआ दिखाई दे, समझिए आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाते दिखे तो धन लाभ होता है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धन लाभ होता है। यदि कौवा बाई तरफ से आकर भोजन ग्रहण करता है तो यात्रा बिना रुकावट संपन्न होती है। वहीं कौवा की पीठ की तरफ से आता है तो प्रवासी को लाभ मिलता है। कौवा मकान की छत पर हो या हरे भरे वृक्ष पर जाकर बैठे तो अचानक धन का लाभ होता है। इस तरह पितृपक्ष में कौवे देते हैं संकेत।